वेलकम टू माई चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो टुडे आई विल शो यू माई किचन, आई गिव यू किचन टूर। सो दिस इज़ हाउ माई किचन लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। सो अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन था जो हमने रिमूव करवा दिया। सो यूटिलिटी हमने किचन में ही इंक्लूड करवा दिया। सो उससे क्या हुआ, किचन बहुत बड़ा लगने लगा और स्पेशियस हो गया। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। एंड देर वॉज अ डोर इन द किचन विच वी रिमूव्ड इट वाइल डूइंग इंटीरियर्स। एंड अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वुडन पैनल हैंग करवाया है एंड उसमें कुछ लाइट्स लगवाए हैं। एंड देन दिस इज हाउ इट लुक्स। सो द किचन साइज इज 14x10 स्क्वायर फीट, which is good enough space, not too big, not too small, which is fine। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, so यहाँ पे ऊपर मैंने एक हैंगिंग लाइट लगवाया है which is in blue color। so the theme of my kitchen is blue and white। so let's go inside। so let's go to right side। यहाँ पे मेरा किचन ग्राइंडर और मिक्सर रखा है जो डेली यूज़ होता है and which I keep it in one tray। And this is my countertop which is also white with some sparkling particles। तो यहाँ पे ग्रे countertop था बिल्डर की तरफ से, वो हमने रिमूव करवा के वाइट लगवाया। सो बिकॉज आई वॉन्टेड माई किचन टू बी वाइट। सो यहाँ पे एक वास लगा रखा है मैंने विद सम मनी प्लांट, और एक ही मेरा डी आई वाई है ऑन चॉपिंग बोर्ड, और एक क्यूट सा सॉल्ट एंड पेपर का ऑयल डिस्पेंसर है। एंड हमने ये स्ट्रिप लाइट लगाया है अंडर ईच कैबिनेट, तो विच लुक्स रियली गुड। सो वाइल कुकिंग आई एम यूजिंग दिस लाइट ओनली मेजरली। एंड फिर उसके साथ मैंने अपना एक वाटर जग रखा हुआ है जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है। एंड दिस इज़ माई फेबर चिमनी एंड बिलो इट इज़ 4 बर्नर फेबर कुक हॉब। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लगता है और मेंटेनेंस भी ठीक है, मतलब आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 7-8 months which is fine। so this is how my chimney opens। so this is a sensor based chimney। yeah। so all appliances in my kitchen are from Faber। so and then इसके साथ मैंने एक ये चकला बेलन स्टैंड लगाया हुआ है, ये भी मैं 2-3 years से यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छा है। और साथ में एक ये आर्टिफिशियल प्लांट एंड दिस इज़ माय ह्यूज काउंटर टॉप। एंड इसको मैं एम्प्टी रखती हूँ ज़्यादातर, तो अच्छा लगता है। एंड इसके साथ ही मेरा किचन सिंक है। एंड इसके में यहाँ पे एक ये प्लांट लगाया हुआ है, ये सनरोज प्लांट, इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर ही मेरा यूटेंसिल होल्डर है, तो बर्तन धो के हम यहाँ पर रखते हैं अपने, ये देखिए। And then once I turn around, this is my huge window। so morning में बहुत अच्छी sunlight आती है, पूरा दिन यहाँ sunlight रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ plants लगाती हूँ तो बहुत अच्छे grow कर रहे हैं। so ये देखिए, यहाँ पर मेरा एक jade plant है, ये कितना अच्छा grow कर रहा है। एंड इसके साथ में मैंने ये एक एरिया बनाया हुआ है फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज कोरोना टाइम में हम वॉश करते हैं तो यहीं रखते हैं फिर इसको ड्राई होने के लिए। तो यस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसके साथ में ही एक पाइप है जो किचन हर किचन में रहता है, तो उसको हाइड करने के लिए हमने ये डोर लगवाया है सो दैट इट डजंट लुक बैड। एंड देन व्हेन वी स्टेप फर्दर, ये एक और सिंक है अबव, दिस इज आर वाटर प्योरीफायर। तो इसके नीचे मैंने ये आर्टिफिशियल क्रीपर लगा दिया सो दैट वो पाइप्स हाइड हो जाएं, एकदम से ना दिखें, तो अच्छा लगता है देखने में। आप देखो यहाँ पे ये 2 वाटर बॉटल्स रखे हैं जो डेली यूज़ होते हैं पानी पीने के लिए। एंड दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट कॉर्नर ऑफ द किचन विच इज़ अ टी स्टेशन जो मैंने बनाया है। और यहाँ पे ये देखिए ट्रे पेंटेड बाय मी ओनली, और ये इस तरीके से सजाया है। एंड देर इज़ वन कोट विच सेज ए कप ऑफ टी सॉल्व्स एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड अबव इट देर आर 2 कैबिनेट्स, तो
तो इसमें भी लाइट्स लगाया है एंड ऊपर हमने कुछ क्रॉकरी रखा है, नीचे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं विच आई एम यूजिंग इट डेली, सो अच्छा लगता है देखने में. एंड देन कम्स टू माई टॉल यूनिट, सो एट द बॉटम दिस इज़ अ विकर बास्केट फॉर अनियन एंड पटैटोज. सो उसके ऊपर है हमारा बिल्ट इन अवन, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम फेबर, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. यस एंड देन कम्स टू माई रेफ्रिजरेटर, सो दिस इज़ ऑल्सो इन ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर विच इज़ मैचिंग टू माई ऑल अप्लाइंसेस. सो इसके ऊपर ही मैंने ये फ्रिज मैगनेट्स लगाए हैं, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज़ ये ऑल हमारे, दिस इज़ सो पर्सनलाइज एक्चुअली. सो आप देख सकते हैं इसमें हम जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है मैंने पिक्चर्स अपने लगा के लगाया है, सो दैट वेन एवर आई सी आई रीलिव दोज मेमोरीज. सो दिस इज़ हाउ आई डेकोरेटेड एंड अबव इट दिस इज़ अ प्लेन वॉल, सो आई डेकोरेटेड दिस वे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई डी आई. येस सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ऑल वाइट किचन. सो वाइट किचन को डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ कलर्स का यूज़ किया है लाइक ब्लू कलर, सो दिस इज़ वट इट लुक्स. सो अभी मैंने सिर्फ वॉर्म लाइट ही ऑन करी है, सो देर आर टू अब लाइट्स ओवर द रूफ एज वेल. सो यस दिस इज़ हाउ इट लुक्स, लेट मी नो कैसा लगा आपको मेरा किचन. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय.